डॉक्टर कौन गेल लिए की से की भेले से डॉक्टर के पास गेलिए रहे हमरा पत्नी के तबियत बड़ा खराब रहे ओकरे बहुते दब छ हां डॉक्टर की बतेलक भैया डॉक्टर बतेल के विटामिन के कमी होय में हरा साग सब्जी के खाय ले त हरा साग सब्जी भैया नै खियाबै छियै बाजार जब जाय छियै तब लाबै छियै आ नै जाय छियै त नै लाबै छियै नै त घर एक सब्जी खाय छियै कभी काल त पैसों के लाचारी भ जाय छै त नै लाब सकै छियै एगो बात कहूँ भैया जीविका में गलिए एलएस भैया कल के की से किचन गार्ड लगा कर घर के पीछा में सात तरह के सब्जी उपजा सके छे वैसे विटामिन मिल सके छे खा सके छे पोषक मिले छे वैसे ये बात हमरा बड़ा निक समय पर बतेलों दीदी ये किचन गार्डन के बारे में हमरा बता नहीं सके छे दीदी बताबे किया ना भैया चलू ना किचन गार्ड के तैयारी हम करने छे चलू बता दे छी ठीके छे हम आबि रहल छिए हे झोड़ा में रिपोर्ट छे उराख के आबै छी हम ठीके से आबू भैया लाट में तीन भैया फेरो कल के हमरो आर के सिखबे तो में हे संतोष भैया आइले गणेश भैया आइले और अरविंद भैया प्रणाम दीदी प्रणाम प्रणाम ठीके से भैया जितना आदमी सीखते भने नेने चले लिए वह बहुत बढ़िया हेते बहुत फायदा छे ये में चलू भैया किचन गार्ड बनबे के लिए सामान आरो लागे छे चलू सब गरे मिलके देख लिए चलू दीदी सब सामान के देख लेबे कोन कोन सामान लागे छे त हमरो आर के बनेबे हां दीदी चलू देखबे चलू चलू भैया घर के पिछवाड़े में किचन गार्ड लगबे में जे सब सामान लागे छे हमे ले आन लिए भैया देखियो भैया कोदालो के काम पड़े छे अच्छा दीदी कोदारो काम पड़े छे एकर कोन काम पड़े छे कोरे पड़े छे अच्छा ई खुरपियो काम पड़े छे अच्छा खुरपी के कोन काम पड़े छे दीदी चाले पड़े छे अच्छा खंतियो काम पड़े छे हां दीदी खंतियो देखे छिए खंती के की काम छे दीदी ऐसा खुट्टा गाड़ल जाय छे ओ खुट्टा गाड़ल जाय छे दीदी देखियो भैया ई इंची टाइप छिए अच्छा इंची टाइप छिए ना ई बेल प्लास्टिक के रस्सी हां दीदी ई प्लास्टिक के रस्सी की करबे देखियो भैया ई किचन गार्ड लगेलिए यो एमे जब पूरा तैयारी भए जेतै ने तऽ एमे रस्सी के जरूरी पड़तै घेरा लगबै के लिए ई दबियो के जरूरी पड़ै छै भैया दबिया के की काम पड़ै छै दीदी देखियो के भैया ई बत्ती जे बनेने छियै ई दबिये से बनेने छियै ई खुट्टा जे काटने छियै ई दबिये से काटने छियै किचन गार्ड बनबै मे अगर और के जरूरी पड़तै काम के तऽ ई दबिये से हेतै ई तीन इंच के फट्ठियो लागै छै भैया अच्छा फट्ठियो लागै छै अगर कोन काम पड़ै छै प्लेन करल जाय छै अच्छा ई तीन गो बांस के बत्ती छे अच्छा आया तीन गो बांस के खुट्टा छे अच्छा 18 गो ई बत्ती छे 12 गो खुट्टा छे ओ वहु सके काम पड़ते ना घेरे पड़ते नर सब किचन गार्ड लागे के बाद छे ना अकरा घेर आब जे छे ए खेत में नै नमी रहे के कारण दू दिना पहले पटबे पड़े छे जमीन में नमी होना चाहिए आ जमीन में नमी नहीं रहे के बाद दू दिन पहले पटवन होना चाहिए ताके बाद जैसे सूरज के रोशनी से दो चार घंटा ऐठना रहे पड़ते हैं और जल जमे भी नहीं रहना चाहिए हाँ दीदी हमू समझ गलिए कि ये में 4 से 5 घंटा तक धूप के रोशनी पड़ना चाहिए हाँ दीदी हम बुझ गए जिसमें जल जमा जमीन नहीं होना चाहिए दीदी भैया पहले तो चेहन दादा था इंची टाइप से भैया चलू ओमे छे ने 20 फीट लंबा है खेत के नापे पड़ते 20 फीट चौड़ा चलू चलू दीदी एक नापियो पड़ते लाबू दीदी कनटा मदद कर दे छी ई लाबू ला भैया लगे ले छे हमें अच्छा देखियो भैया ई 20 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा नापते ले लिए आब जे छे एकरा तीन बेर कोरनाय छे जैसे जमीन जे छे भुरभुरा सन के भ जाए ओ आप चार तरफ से नाप के तकर बाद एकरा तीन बेर कोरियो पड़ते दीदी ना कोरियो पड़ते ठीक छै त दुई बेर त भैया कोर चुकलिए य एक बेर जे छै ने एकरा और कोरबे छै 1 फीट बाहर से माटि कोर के
अंदर करने छै आरो तरफ रास्ता आही खाती छोड़ल जाय छै कि से कमोनियो भए जाय छै और पानी आर जे कभी पड़े छै सबटा घरे के गहरा में चल जाय छै। एक फीट देखियो भैया, एक फीट चौड़ा राखे पड़तै और 3 इंच जे छै ना गहरा राखे पड़तै। ओ एक फीट चौड़ा और 3 इंच गहरा इहो करे पड़तै ना? हां, ओ चारों तरफ से ना, चारों तरफ से ओहना इहो साइड से राखबै रास्ता। बीच ई भेलै भैया, आब जे छै एठिन से रास्ता एने जेतै 20 फीट जे रास्ता निकाललियै बीचो बीच दीदी, एकर की उद्देश्य छै? ओकर इएह उद्देश्य छै कि से एहिमे जे छै से पानि एहिमे कमबैयोमे सुविधा होइ छै और पटबैयोमे सुविधा होइ छै आ कमबैमे छै ने फसलो नुकसान नहि होइ छै। एकर नियम छै कि 3 टा क्यारी एहि साइड बनतै, 3 टा क्यारी ओहि साइड बनतै, ओहिमे 1 फीट चौड़ा राखे पड़तै रास्ता। बीचो बीच रास्ता जे छै ओहि दोनों तरफ 6-6 फीट के क्यारी बना के 1-1 फीट के रास्ता राखल जाइ छै। 9.5 फीट लम्बा, 6 फीट चौड़ा तऽ बेड हम बना देलियै यऽ और हर बेड 3-4 इंच ऊँचा रहना चाही। क्यारी में लागतै गाजर आ मूली, एगो में लागतै बोरा, 1 टा क्यारी में लगते बैगन, 1 टा क्यारी में लगते फूलगोभी, 1 क्यारी में धनिया, 1 टा में मटर। चलू भैया, हम बता दै छी 1-1 क्यारी में कना कना सब्जी लगते। ई सब जे हम बेड बनेने छियै सबटा में से ने 1 गो के क्यारी में ई बीज लगते, ओ सबटा बीज हम उपचारी कर लेने छियै। ओ तो उपचारिते बीज दीदी लगते ना? हाँ, उपचारिये बीज लगते। तब तो हमरो आर के करे पड़त। ठीक छै, 1 टा क्यारी में से भैया ई मूली गाजर लगेने। ओ 1 टा क्यारी में गाजर मूली दोनों लगते ने? अच्छा अच्छा, 1 टा क्यारी में मटर लगेने छै। ओ मटरो 1 टा में लगते ने? ठीक, 1 टा क्यारी में से धनिया लगेने छै। ओ धनिया 1 टा में धनियो लगेने छै ना? ठीक छै दीदी, 1 टा में से बोरा लगेने छै। ओ बोरो 1 बोरो लगते ने? हां, 1 टा में से बैगन लगेने छै। ओ बैगनो लगते ने? 1 टा में छै कोबी लगेनाइ छै। अच्छा दीदी, ठीक छै दीदी। हर क्यारी में जे छै से 2 किलो वर्मी कम्पोस्ट लागै छै। ओ 2 किलो वर्मीओ लागतै ना? छोटा क्यारी में लागतै 2-2 किलो तऽ 12 किलो लागतै। 12 किलो लागतै ना? अच्छा, देखियौ भैया कना छिटल जाइ छै। अहिना छै, कनिटा मदद अहूँ आर कए दिअ। मतलबू दीदी कए दै छी, चलो ना। देखियौ भैया, एकरा छै एना कऽ मिलेनाइ छै। ओ मिलबैयो पड़तै ने? अच्छा ठीक छै। हाँ दीदी, आब सगरे तऽ मिल गेलै। देखियौ भैया, ई जे छै आब एकरा एना कऽ प्लेन करल जेतै। लाबू दीदी मदद कर दै छी। चलू आप बतबै छी से कना कना एहिमे बीज लागतै। अच्छा ठीक छै दीदी। ई 2 इंच चौड़ा से भाईजी ई अनाक लाइन पारल जेतै। ओ 2 इंच के ई भेलै ना? आय ना छै तऽ सोती लाइन पारल जेतै। ओ ठीके छै, तऽ लाओ दीदी मदद कए दै छियै। हलियो, देखियौ भैया, ए लाइन में छै 2 इंच पर मूली लग, मूली गिरेनाइ छै। अच्छा दीदी, 2 इंच पर लागतै मूली ना? हां, ई लाइन पूरा भए गेलै। अच्छा, आब दोसर लाइन में की लागतै दीदी? एमे छै से गाजर, अहिना 2 इंच पर गाजरो लागतै। अच्छा, गाजरो लागतै 2 इंच पर ना? एक लाइन में मूली, एक लाइन में छै गाजर डालना छै पूरा बेड। समुचा बेड में जाय ना लागतै ना? हां, अहिना लागतै। अरे लगाइयो दियो भाईजी को। बीज तो गिराल भए गेलो भैया, आब जे छै एकरा अहाँ के प्लेन करनाइ छै। ठीक छै, लाबू दीदी कनटा मदद कए दै छी हम। हाँ,
देखियो भैया क्यारी में मूली गाजर आब लग गए, चलू आब दोसर बेड में लगेना। चलू दीदी। देखियो भैया दूसरा बेड छे, में छे बर्मी कंपोस्ट डाल दलिए। सब्जी लगवे ला जाए छे पहले डिघीर पानि देवे, तब जे छे एक फुट फेर से छे दूसरा डिघीर। अच्छा, ई बढ़िया भेलै ने, एक फुट पर लागतै दीदी ना। हाँ, आय नाका त सोती जे नापल जेतै, मदद कर दियो। लाबू क्या दे छी दीदी, चारटा बीज जे छै हमे एके जगह लगै हुए, और बीज के दूरी एक इंच। ओ, एक इंच पर लागतै दीदी ना। अच्छा, दूसरी थल्ला जे हमे रोपबै एक फुट पर रोपबै। हाँ, एक फुट पर ना। अच्छा, ठीक छै दीदी। आना एक फुट पर सीख के लिए दीदी लगबै ले। एना एना करके भैया से अत्ते सुवती। ओ, ठीक है दीदी, रोपल जेते। तो लाबू दीदी हमरा के थोड़ा मदद तो क्या दे छी। हां दीदी, आप भ गेले। भ गेले दीदी, भ गेल। हां हां दीदी, भैया आप जे से एकरा आना के बराबर करना है। लाबू दीदी हम मदद क्या दे छी। देखियो भैया जैसे लाइन खींचे छे, लाइन के दूरी एक फीट चाहिए, और पौधा से पौधों की दूरी एक फीट दीदी ना। पौधा से पौधों के दूरी। लो दीदी कंडा मदद क्या दे छी। एना जे छे सौंसे सौंसे बेड एना फारल जेते। बीज के दूरी भैया एक फीट चाहिए। अच्छा, एना के छे सौंसे बेड रोपल जेते। लाबू दीदी कंडा मदद क्या दे छी। हले मदद कर दियो। मटर जे लगा रहल छी भैया, लाइन के दूरी एक फीट चाही पूरा बेडे में। और हम ई देखै छी मटर जे लगा रहल छियै, बीज के दूरी एक फुट चाही। ओ, एक फीट पर लागतै दीदी ना। अच्छा, एना के छै पूरा बेड लगेनाइ। लाबू दीदी कनटा मदद कए दै छी। हलियो करल छै, आब एना के प्लेन करल जेतै। लाबू दीदी कनटा मदद कए दै छी। देखियो भैया धनिया के रोपै लए जाइ छियै, ई बीज के दूरी एक इंच चाही। ओ, एक इंच पर दीदी लागतै ना। आय ना पूरा बेड में लागतै। आ लाबू दीदी कनटा मदद कए दे। कए दियो मदद, रोपि दियो त सोती। लाबू दीदी हमहु कर दै छियै। ठीक छै। देखियो भैया ई धनिया के बीज त हमे रोपि देलियै, आब जे छै एकरा प्लेन करना छै। अच्छा दीदी, लाबू दीदी कनटा मदद कए दे छियै, भए त गेलै छै। अब त भए गेलै दीदी प्लेन करल। देखियो भैया ई जे लाइन हमे खींचै छियै, ई लाइन के दूरी एक फीट चाही। ओ, एक फीट पर लागतै दीदी ना। अच्छा दीदी। हाँ, आय ना के से पूरा लाबू दीदी कंडा मदद कए दै छी। देखियो भैया ई हम अत बैगन के पौधा जे रोपै छियै, ई एक फीट पर रोपै। एक फीट पर दीदी लागतै ना। एक फीट पर लागतै। आय ना जे छै पूरा बेड। लाबू दीदी मदद क्या दे छी कंटा।
अच्छा दीदी आप तो रोपल भए गेलै आप की करना छे दीदी ठीके से भैया आप तो छ गो बेड पर छ रंग के सब्जी आप बन गेले आप जे सकरा घेरना छे अच्छा। ये किचन गार्ड जे लगेलिए भैया अच्छा दीदी आप जे से एक के साइडो साइड ओ जे गहरा छोड़ लिए हाँ। या एके बाद जे छे घेरा लगेनाय छे अच्छा जे कि माल में बेसी आबि के नुकसान नै करे ओ चारों तरफ से घेरो लगेनाय छे ना हां घेरो लगेनाय छे अच्छा बढ़िया छे दीदी तब माल मवेशी में नै घुसते देखियो भैया ई खुट्टा जे अहाँ गाड़ै छिए ओय नि चारों तरफ से खुट्टा गाड़ल जेते समान दूरी पर खुट्टा देल जेते सब तरीका तो सीखिए लेलिए कना कना बनबै छै कोन कोन विधि से आब जे छै ने केओ भैया ई करची छै बत्ती छै सबके छै बेढ़ा बनेनाय छै और चारों तरफ से एकरा घेरनाय छै आ तब चारों तरफ से खम्भा दए कऽ सबके रस्सी से बननाय छै ओ घेरैयो पड़तै दीदी ने बत्ती और टाट के अथी बेढ़ा के न ठीक छै हमे दीदी आब सब कुछ समझ गेलिए किचन गार्डन के जे घेरै छै एहिसे फसल किचन गार्डन के सुरक्षा हेतै एहिमे गाय भैंस खुलियो जेतै तऽ ओ जेतै नहि देखियो भैया एहि बेढ़ा पर जे छै आब झिंगली करैला खीरा चारू साइड से लगेनाय छै ओ झिंगली खीरा करैला ई लतर लतर फरतै दीदी ने बढ़िया बात छै देखियो भैया ई चारों तरफ जे छै जगह जे बचि गेलै यऽ आब चारों तरफ जे छै चार पाँच टा पपीता के गाछी लगा देने छै ओ बहुत अच्छा रहतै तब ओ जे छै पपीता बढ़ि जेतै ओहो सब्जी के काम में आबि जेतै ओ तब तऽ एक सब्जी और भए गेलै एहिमे बढ़िया बात छै हाँ दीदी हमे समझ गेलियै डॉक्टरो बतेलकै रहै जे पपीता के फल और सब्जी खाय में बड़ा विटामिन मिलै छै की भैया अहीं बतेलिए रहै कि से हमर पत्नी के बहुत मन खराब छै और डॉक्टर कहलकै रहै हरा सब्जी खाय ले एहि किचन गार्डन लगेने से बहुत हरा सब्जी मिलै छै और बहुत विटामिनो भी रहै छै के जगह में छह सात तरह के सब्जी लगायल जाय छै और ऐसे छै विटामिनो मिलै छै और हर हमेशा हरा सब्जी खाय छै मैं आप जान गेलिए जे किचन गार्डन कने लागै छै और एमे छह सात तरह के सब्जी एक साथ उपजा के हम खा सकै छी अपने जे बतेलिए ने किचन गार्डन के बारे में एकरा हमहूँ अपना समूह में लै जेबै और सब दीदी के बतेबै एकरा लिए अहाँ के धन्यवाद धन्यवाद